फिलीपींस में आए इस साल के सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान हैयान से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। तूफान के दौरान 250 से 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में 5 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। फिलीपींस के समरद्वीप के तटीय हिस्सों में इस तूफान की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है जो राजधानी मनीला से करीब 600 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों ने इसे सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी है। दक्षिण अफगानिस्तान में शुक्रवार को सड़क किनारे लगाए गए बम की चपेट में एक कार के आने से उसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये बम विस्फोट दक्षिणी जाबुल प्रांत की राजधानी कलात में हुआ। ये विस्फोट उन जानलेवा हमलों की नवीनतम कड़ी है जिसमें सैन्य लक्ष्यों की बजाय आम नागरिक को निशाना बनाया जा रहा है। इराक में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए किए गए दोहरे कार बम हमले सहित श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 30 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि बम हमला तब हुआ जब गुरुवार देर रात तरमिया नगर में 2 आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से भरी अपनी कार लेकर सैन्य अड्डे में घुस गए और विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में कम से कम 19 सैनिक मारे गए और 41 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा करबला, अनानगर और मासूल शहर में हुए विस्फोटों में 11 लोगों की मौत हो गई। लीबिया में पूर्व विद्रोही गुटों के लड़ाकों के बीच हथियारबंद झड़पें जारी हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में ये झड़पें कल गुरुवार को दोबारा शुरू हुई और बीती सारी रात जारी रहीं। टीवी चैनल अल अरबिया के अनुसार इन झड़पों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ आम लीबियाई नागरिक भी शामिल हैं जिन्हें लड़ाकों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान गोलियां लगी थीं। देश के कई इलाकों पर हथियारबंद गिरोहों का नियंत्रण है। ये लड़ाके क्रांति के दौरान एक दूसरे के सहयोगी थे लेकिन अब वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने खूंखार आतंकवादी मुल्ला फजलुल्लाह को अपना नया प्रमुख बनाने के साथ ही बदले की कार्रवाई में हमले की धमकी दी है और सरकार के साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरगना हकीमुल्ला महसूद के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद इस संगठन की ओर से बदला लेने के लिए हमले करने की आशंका जताते हुए सरकार को आगाह किया है। बीते 1 नवंबर को उत्तरी वजीरिस्तान में किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में महसूद मारा गया था।